टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तीन ऐसे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो रास्ते पर चलने वाले लोगों से लूट पाट कर अपना शिकार बनाते थे। इसी तरह से कलवा ईस्ट से कलवा वेस्ट में जाने के दौरान ब्रिज पर एक व्यक्ति को हथियार के बल पर पैसे और मोबाइल उसका लूट लिया जाता है, जिसकी शिकायत इस फरियादी ने कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। कलवा परिसर में बढ़ती चेन स्नेचिंग और लूटपाट की घटना को देखते हुए कलवा पुलिस ने उसी लूटपाट वाली ब्रिज से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को लूटपाट के साथ साथ चेन स्नेचिंग की घटना भी इन तीनों ने कबूल किया है और इनके पास से मोबाइल फोन और सोने के गहने भी पुलिस ने बरामद किया है। मेरे पास 22 रात को 1:15 बजे एक आदमी वेस्ट से ईस्ट जा रहा था तो ब्रिज के ऊपर चार जो लोग थे उन्होंने उसको चॉपर का धाक दिखाया। उनके पास से जो मोबाइल और रोक रकम थी 300-400 रुपये वो उसने खींच के लिया और उसको भगा दिया। उनके तुरंत वो कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया नहीं। 17 तारीख को कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया तो उनकी तकरार दाखिल करके CR नंबर 295/22/394 भारतीय हथियार कायदा 425 अनुसार गुना दाखिल किया है। वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि चेन स्नैचिंग बढ़ रहा है, उसका तपास करना जरूरी है। तो मैं तुरंत मेरे PI क्राइम पुलिस निरीक्षक सुदेश आसगावकर, PSI बगदा ने, ASI महाजन आणि स्टाफ यांना सूचना दिल्या। त्याप्रमाणे PSI बगदा ने, ASI महाजन आणि स्टाफ हे लोग 17 तारीख को रात को और 18 तारीख को सुबह 4:30 बजे का टाइमिंग था, उस वक्त पेट्रोलिंग करते वक्त ब्रिज पे तीन जो इसम था वो संशयित रीत्या घूम रहे थे उधर। तो मालूम पड़ने के बाद पुलिस ने उनको रोक दिया तो वो भागने लगा। भागने लगे बाद शिताब भी कर गए, पुलिस ने उनको ताबे में लिया। उनके हाथ में एक चॉपर था, उनको विश्वास में लिया तो उन्होंने वो 6 तारीख को जयसम को हथियार का धाक दिखा के 6,500 रुपये का मोबाइल और रोक रकम लिया था, वो उन्होंने वो हस्तगत किया। बाद में उनको इंक्वायरी करके पूछताछ करके मालूम पड़ा तो पुलिस स्टेशन के तीन स्नैचिंग उन्होंने किया था। उनका नाम मालूम पड़ा तो पहले का नाम है गणपत पल्ला स्वामी गुल्लर, 21 साल का है। दूसरा अमन जयसवाल है, वो 19 साल का है। वो हरिंदर परमहंस है, ये 19 साल का है। और उन्होंने आज तक 2,30,000 का माल पुलिस ने हस्तगत किया है। 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी है और तपास चालू है। जो एक नंबर का आरोपी है गणपत पुल्ला स्वामी गुल्लर, ये पुलिस के उमरा या कड़वा पुलिस का रिकॉर्ड का सराय गुनेगार है। सर, इनका पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज है? मामला ये अभी तक दर्ज नहीं, तपास चालू है।